मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। यात्रा को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। आठवें दिन गुरुग्राम से शुरू होकर यात्रा सोहना एनआईटी फरदाबाद, बल्लभगढ़ बड़कल, तिंगाव फरदाबाद, पृथला होते हुए पलवल तक जाएगी, जहां वो रात्रि में विश्राम करेंगे। गुरुग्राम से यात्रा शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक निर्माण विश्राम गृह से लगभग 53 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड की 4 नए रूटों पर बस सेवा का शुभारंभ भी किया। आपको बता दें कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले हरियाणा के सभी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों का समर्थन हासिल करना चाह रही है और लोगों का यात्रा को अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। R9 TV के लिए गुरुग्राम से रमेश सिंह और फरीदाबाद से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।